मान्यता दत्त का भी आया है पैराडाइज पेपर्स में नाम, जिसके बाद मान्यता ने खुद को बताया है इनोसेंट। हालांकि अब इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। 714 इंडियन नामों में संजय दत्त की वाइफ का नाम भी शामिल है, जहां उनका नाम दिलनशी के तौर पर लिखा है। आपको बता दें कि बॉलीवुड में एंटर होने से पहले मान्यता दत्त का नाम यही था, जो बाद में बदल दिया गया। मान्यता दत्त के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत उनके क्लाइंट की सारी प्रॉपर्टीज, कंपनी शेयर्स इन एनी कंपनी, सब कुछ डिक्लेयर हुआ है। अब ईडी इसमें क्या क्या पड़ताल करती है और टैक्स सेवन कंट्रीज में छुपे इंडियन लोगों के पैसों में किस किस के नाम सामने आते हैं, देखते हैं।